साबिका वजीर आला और पीडीपी की सरबरा महबा मुफ्ती को एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर एसेट्स डिपार्टमेंट ने उनको फेयरव्यू खाली करने को कहा है। आपको मैं थोड़ा सा तफसील ये दूँ कि यहाँ पर 1990 तक ये फेयरव्यू एक गेस्ट हाउस हुआ करता था और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 96 तक इसको तफ्तीशी सेंटर पापा टू का नाम दिया था। उसके बाद यहाँ पर साबिका जो चीफ सेक्रेटरी थे अरुण जेटली, उनकी रिहाइश गाह हुआ करती थी। उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी यहाँ पर कई एक साल गुजारे और उसके बाद यहाँ पर 2005 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ पर वज़ीर आला के कुर्सी पर फाइज हुए तो उनको ये फेयरव्यू दिया गया और तब से लेकर आज तक यहाँ पर महबा मुफ्ती यहाँ पर जहरी पजीर थी। और आज यहाँ पर एसेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर उनको बताया गया कि ये फेयरव्यू खाली किया जाए। अगरचि यहाँ पर सरकारी जराए से ये भी मालूम हुआ है कि उनको तबादले के तौर पर एक नई रिहाइश का भी उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक महबा मुफ्ती ने कोई भी इसमें स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी कहीं एक जो सरकारी इस तरह की रिहाइश गाह थी, वो यहाँ पर कहीं एक लीडरों से उनको खाली करने को कहा गया है और आज महबा मुफ्ती के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो दोस्त लाइव जानानवानी, जेके न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।